यूक्रेन के चार प्रमुख इलाकों को अपनी हद में समा लेने के बाद तकरीबन शांत होकर बैठ गया सा दिखाई देने वाला रूस फिर भड़क गया है। रूस खुद नहीं भड़का है, उसके क्रीमिया में मौजूद एक बड़े पुल को ध्वस्त करके उसे यूक्रेन ने ही भड़का डाला है। धूर्त अमेरिका और मक्कार नाटो गैंग में शामिल कुछ देशों के बहकावे में आकर, ताकि रूस की नजरों में खटक रहा यूक्रेन साफ हो जाए और बेसब यानी दबे पांव रूस की खिलाफत में डटे घाक पश्चिमी देश खुद अपनी खाल सुरक्षित बचा सके। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो बस यूक्रेन का यही कदम अब उसी के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है। यूक्रेन की इस गुस्ताखी से बौखलाया रूस अब आगे पीछे की कुछ भी सोचे बिचारे बिना सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को नीचा दिखाने की जिद पर अड़ चुका है। भले ही अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए रूस को खुद कितना भी नुकसान आइंदा क्यों ना उठाना पड़े, मतलब साम दाम दंड भेद से रूस का पहला निशाना हाल फिलहाल तो यूक्रेन को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना है। यूक्रेन ने रूस का क्रीमिया में मौजूद बेशकीमती और बेहद काम का पुल क्या तबाह किया, मानो तबाही से बौखलाया रूस अब यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही मिटाने पर आमादा हो गया है। मतलब अब तक रूस को समझा बुझाकर उसे दुनिया शांत करने की कोशिशों में जुटी थी, उन तमाम कोशिशों पर यूक्रेन ने खुद ही पानी फेर लिया है। वही यूक्रेन जो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो संगठन के गैंग में शामिल देशों के उकसाने पर अंधत्व का शिकार होकर रूस के सामने अड़ तो खुशी खुशी गया, उसके बाद रूस ने यूक्रेन की जिस तरह से लम्हा लम्हा दुर्गति की उसे दुनिया ने देखा और अकेले यूक्रेन ने भोगा है। इससे हड़बड़ाया यूक्रेन बीते 5-6 महीने से रूस के पांवों में पड़ा अपनी जान छोड़ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है और रूस है कि पांव पीछे न खींचने की जिद पर अड़ा है। बात रूस व यूक्रेन की गलियों से छन छन कर बाहर आ रही अंदर की खबरों की करें तो अब 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन के लवो, टर्नोपिल, इवानो, फ्रेंकिस, झाइटोमिर, निप्रो, खार्की, कोनोटॉप, ओडेसा और क्रेमेंचुक जैसे शहरों पर रूस ने उस कदर का भीषण हमला बोल रखा है कि यूक्रेन के चीखने चिल्लाने तक की आवाजें उसकी हदों से बाहर आना बंद हो गई हैं। ये हमले सोमवार तड़के यानी 10 अक्टूबर सन 2022 से लगातार होते देखे सुने जा रहे हैं। इन हमलों में आम लोगों के हताहत होने की लगातार खबरें बाहर आ रही हैं। रविवार यानी 9 अक्टूबर सन 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सब तबाही के लिए यूक्रेन के स्पेशल सर्विस को जिम्मेदार ठहराया था। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार रोस्तिस्लाव स्मिर्नोव ने कहा है कि रूसी हमलों में सुबह 10 बजे तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कई कीमती वाहन भी तबाह हो गए। इन रूसी हमलों से हड़बड़ाए कीव के मेयर विताली क्लिस्को कहते हैं कि हमारे यानी कीव के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को रूसी मिसाइलों ने तबाह कर डाला है। उधर ऐसे में बात अगर भारत की भूमिका की करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को देश के भीतर सभी गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। हिंदुस्तानी दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से अपने स्टेटस की जानकारी देने की भी अपील की है ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में रविवार सोमवार को अचानक बढ़े रूसी हमलों के बाद के हालातों को ताड़ते हुए हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंतित है, विशेषकर उस नाजुक वक्त में जब सीधे सीधे यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया हो और लोगों की मौत हो रही हो। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनत ने कहा है कि मंगलवार यानी 11 अक्टूबर सन 2022 को सुबह तक रूस ने 83 मिसाइल लॉन्च की हैं। निप्रो और डेने प्रोपेट्रोक्स क्षेत्र के प्रशासक वैलेंटिन रेंजनचेंको के मुताबिक उनके इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं। लवीव क्षेत्र में बिजली केंद्रों को निशाना बना डाला गया है। झाइटोमिर क्षेत्र में भी बिजली केंद्रों को निशाना बनाए जाने की पुष्ट खबरें सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सरजमी के ऊपर यह सब ताबड़तोड़ हमले रूस चोरी छिपे कर रहा हो। इन हमलों की पुष्टि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है, मतलब अब लड़ाई आर पार की है। ऐसे में क्या ही अंदाजा लगाना गलत होगा कि यूक्रेन की बेजा हरकत से बौखलाया रूस अब यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने या फिर छोटा करने की जिद पर अड़ा हुआ है। TV9 डिजिटल के लिए नई दिल्ली से संजीव चौहान की रिपोर्ट।